हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋषभ पासर, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद आरपी पे। सो गाइज, बहुत बंदों का कमेंट आ रहा था कि पबजी यूसी कैसे परचेज किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पबजी जो है इंडिया में अभी फिलहाल बैन है। सो बंदे ना ही इन गेम परचेज कर पा रहे हैं और ना ही मिदास बाई से परचेज कर पा रहे हैं। सो मैं ये ट्रिक लेकर के आया हूँ जहाँ से आप गारंटीड परचेज कर पाओगे। सिंपली से आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मैं काफ़ी इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और गारंटीड है कि इसके बाद आपको कोई सा भी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगा जिसमें कि आपको अगर PUBG UC परचेज करना है तो। सो गाइज, चलो बिना समय गवाए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, मैं एक वीडियो पे वर्क कर रहा था जिसमें कि मुझे बहुत अच्छी ट्रिक भी हाथ लगी थी कि आप लोगों को फ्री में UC दिलाने की, लेकिन बीच में ये बैन अनबैन का चक्कर पड़ गया। सो जब ये फिक्स होता है सो मैं उस ट्रिक को लेकर के आऊँगा आप लोगों के पास, सो आप लोग उसे ले पाओगे। और गाइज, उससे पहले बता दूँ हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड पबजी की टिप्स, ट्रिक्स, रिडीम कोड, वीपन ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दबा देना बेल आइकन को ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएंगे और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। सो गाइज, चलिए बिना समय गवाए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका 10 UC, 20 UC या फिर 60 UC, जिन्होंने गलती से कोई कैरेट ओपन कर दिया था। इससे पहले वो रॉयल पास ले चुके हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से अपना UC जुटाया था और वो रॉयल पास इससे पहले ले चुके हैं, या फिर उन्होंने UC जुटाया था और कहीं ना कहीं उनका 10 UC या फिर जो भी कम पड़ रहा है रॉयल पास लेने के लिए। सो थोड़े बहुत आप UC इधर से आप चाहो तो जितना भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बहुत सारे परचेज करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि हमारा इंडियन रुपीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अभी चाइना में जाए, क्योंकि चाइना के साथ आप जानते ही होंगे कि अभी हमारे देश के क्या हाल चल रहे हैं। सो मैं बिल्कुल भी हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ, बिल्कुल हम गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन है उनके साथ हैं। सो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो बंदे का कुछ से ही हो, मतलब थोड़े बहुत UC से कम पड़ रहा हो, वही परचेस कीजिएगा। क्योंकि और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे बंदों के मन में ऐसा क्वेरी होगा कि हो सकता है वो रॉयल पास लेंगे तो फिर से पबजी तो बैन ही हो जाएगा, या फिर अगर दूसरा वर्जन आ जाएगा तो फिर क्या होगा उनकी इन्वेंट्री का। सो गाइज, मैंने इस पर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, आपकी इन्वेंट्री का कुछ नहीं होने वाला। सेम अगर नई गेम भी आती है इंडियन वर्जन तो आपको सेम इन्वेंट्री देखने को मिलेगा, इसलिए आप रॉयल पास बिल्कुल ले सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, अगर आपके पास UC है तो आप ज़रूर लो, ठीक है। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से चेक कर पाओगे कि मैंने विथ प्रूफ बताया कि आपकी इन्वेंट्री लॉस नहीं होने वाली है। सो जाकर के आप उसे भी चेक कर लेना। और उससे पहले मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो है मिदास बाई और इन गेम परचेज जो है उस पर बैन लगा हुआ, क्योंकि गेम पर ही बैन लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते होगे बहुत सारे ऐप बैन हुए हैं चाइनीज़, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टिकटॉक भी था, लेकिन विद इन 48 आवर्स उनके सर्वर जो है डाउन कर दिए गए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक पबजी के सर्वर को डाउन नहीं, हाँ किसी किसी पर्टिकुलर डिवाइस के ऑपरेटर मतलब जो भी हैं उन्होंने सर्वर डाउन किया है, लेकिन अभी भी गेम जो है रन हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ें पता है। सो कहीं ना कहीं उन्होंने अभी समय दिया है पबजी वालों को, कुछ क्वेश्चन पूछा है, आप जानते होंगे ये सारी चीज़ें कि उन्हें रिप्लाई करना है। सो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस ऐप को बैन नहीं कर रही, क्योंकि उनको भी पता है कि चाइना का इसमें सिर्फ 10% ही शेयर था। सो इस गेम के आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास UC है तो आप बिल्कुल रॉयल पास लो। और मैं चलिए तो बात करते हैं कि आपको रॉयल पास लेना, UC कहाँ से लेना है गाइस। सो आप मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि आपको जो है अगर आप इधर से UC ऐड करोगे तो सिंपली क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इंटरफेस आ जाएगा कि मतलब फेल पेमेंट फेल ऐसा करके कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आप इधर से भी जो है UC परचेज नहीं कर पाओगे। और अगर हम बात करें मिदास बाई की, तो मिदास बाई पे अगर आप ओपन करते हो तो आपको पेटीएम का ऑप्शन उधर से नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे, रेजर गोल्ड वगैरह है। सो अगर आप रेजर गोल्ड पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो सो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और फिर भी VPN कनेक्ट करने के बाद भी परचेज नहीं होता। सो मैं आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ पे आप आसानी से इसे परचेस कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, ना ही आपको ट्राई करना है इन गेम और ना ही आपको ट्राई करना है मिदास बाई। तो सिंपली से मैं आपको जिस भी साइट पर ले चलता हूँ आपको जाना है उधर, और 100% गारंटीड है गाइस कि आपको बिल्कुल से जो है अपनी UC जो भी आप परचेस करोगे बिल्कुल से आपके अकाउंट में आएगी। तो चलते हैं जल्दी से, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका ID है उसे आपको ID को कॉपी कर लेना है। तो ID को कॉपी करने के बाद आपको कौन सा साइट पर जाना है चलिए बात कर लेते हैं।
तो आपको अपने गूगल पे आना है और गूगल पर सर्च करना है CGM, आपको CGM सर्च करना है और सिंपली सर्च करते इसे हम, और इसे ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, पेज को डेस्कटॉप साइज पे कर देना है। सो हमारा सिंपली आप कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आपको इधर सी गेमर मॉल पे क्लिक कर देना है और आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो इस वेबसाइट को हम लोग ओपन कर लेते हैं और फिर हम बात करते हैं। सो गाइस, फाइनली जब आपका CGM साइट खुल जाए, सो आपको इसे डेस्कटॉप साइज पे कर देना है, आप चाहो तो कर सकते हो। और फिर इसे करने के बाद आपको क्या करना है, इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, PUBG UC MY, PUBG UC ग्लोबल, फ्री फायर, बहुत सारे गेम, जितने भी गेम्स हैं लगभग आप सबके जो भी करेंसीज होते हैं उसे आप परचेज कर सकते हो। सो हम सिंपली यहाँ पे PUBG Mobile UC Global पे क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको अभी बतलाता हूँ। सो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस अगर देखने को मिले तो सही है, लेकिन अगर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो राइट साइड कॉर्नर पे आपको साइन अप के पास में इधर आपको ये सब सेलेक्ट करने को आएगा। सो इधर आपका चेक कर लेना, आपका कंट्री इंडिया ही हो, आपका लैंग्वेज इंग्लिश हो, और इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सो इधर जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, मैं एक बार आपको दिखला देता हूँ, इधर आपको जो है इंडिया सेलेक्ट करना है, फिर आपको इंडियन रुपीज़, इंग्लिश और सेव कर देना है। सो ये करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें हो जाए, सो इधर आप देख सकते हो बहुत सारी इधर आपको वेरिएशंस मिल जाते हैं, जो भी आप चाहो इधर से परचेज कर सकते हो। सो कुछ देखो, नॉर्मली अभी जो है अगर आप कितने भी कोशिश करते हो मिडास बाय या फिर इन गेम परचेस, तो आपके नहीं होने वाला है। VPN आप कुछ भी ट्राई कर लो, नहीं होने वाला है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे कि VPN कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ वर्क नहीं करने वाला है अभी। सो सिंपली से एकमात्र ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, बिल्कुल गारंटीड है ये परचेस होगा। सो ऊपर में आप देख सकते हो ये जैपनीज, कोरियन, ताइवान और वियतनाम वर्जन के लिए नहीं है, ये ग्लोबल वर्जन के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। सो इधर से अगर आप परचेस करते हो तो हो सकता है आपको कुछ रुपए, जैसे कि अगर वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे, जैसे कि ये 60 अननोन कैसे, यानी 60 UC ऐड करते हैं तो यहाँ पे 73 हमारा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 3-4 रुपए जो है ये साइट वाले कमीशन लेते हैं। सो हो सकता है इसका प्राइस 75 या फिर 79 हो जाए। सो इधर से आप चाहो तो आप देख सकते हो 60 वाला पैक है, 180 प्लस 18, 300, 600, नीचे में रॉयल पास भी है, लेकिन स्टॉक आउट, अभी रॉयल पास इधर से आप परचेज नहीं कर पाओगे और स्टॉक आउट है। सो सिंपली से इधर आपको क्या करना है, जो सा भी आपको परचेज करना है उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको इधर नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा राइट साइड में बाय नाउ का। सो आपको इसी पे क्लिक कर देना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। आप इधर राइट साइड में देख सकते हो, अभी मैंने 60 वाला सेलेक्ट किया है, सो 73 रुपीज़ इधर शो कर रहा है, और बाकी 73 से थोड़ी सी ज़्यादा पैसे लेंगे। सो बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको गाइस क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बतला देता हूँ। आपको इधर अपना जो भी एक ईमेल होगा उससे आपको लॉगिन कर लेना है। सो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, पहले अगर आप चाहो तो पहले भी लॉगिन कर सकते हो, पहले से ही राइट साइड अपर कॉर्नर पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा होगा। सो इधर से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद भी अपना अकाउंट चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले आप अपना इधर से जो है UC वाला जो भी आपको पैक लेना है वो ले लेना, साथ ही साथ नीचे में इधर अपनी PUBG नंबर वाली ID जो भी है इधर पेस्ट कर देना, और उसके बाद ही बाय नाउ पे क्लिक करना। सो ऑटोमेटिक आप चले जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, और उधर आपको बाकी वही जो होती है पेटीएम वाली चीज़ें कि पेटीएम की नंबर डालो, OTP आएगा, वो सारा डालो। सो इतना करने के बाद जो है नॉर्मल आपका जो भी UC आप परचेस किए रहोगे वो आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा, और ये 100% ट्रस्टेड साइट है, आप बिल्कुल यहाँ से परचेस कर सकते हो। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा मिडास बाय में होता था कि आप परचेस करते थे और तुरंत आप गेम को रिस्टार्ट करते थे और आपके अकाउंट में इंस्टेंट UC आपको मिल जाता था, लेकिन यहाँ से परचेस करने पे आपको जो है तकरीबन हो सकता है वर्स्ट केसेस में आपको 30-1 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन जनरली ये 5-10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। सो ये मेरे तरफ से ट्रस्टेड और एकमात्र ऑप्शन है जहां से आपके बिल्कुल भी पैसे जो मतलब फ्रॉड नहीं होने वाला आपके साथ, और आप जो भी यूसेज परचेस करना चाहो आप बिल्कुल यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो यार जो बंदों ने भी बिल्कुल भी जो भी अभी सोच रहे हैं लेने का फुल न्यू रॉयल पास, तो मैं बोलूँगा आप वेट कर सकते हो, और बाकी जिनको थोड़ा बहुत से कम पर रहे सो आप परचेज़ कर सकते हो, बाकी
अगर आपको वो वीडियो चेक करना है कि इन्वेंट्री के बारे में क्या होने वाला है, सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा अमाउंट का यूसी मत लेना। सो गाइज बस फिलहाल की सुविधा है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड्स यूसी वीसी लेना चाहते हो उनके साथ शेयर कर दो। वीडियो आपके पसंद है इसे लाइक कर देना, और किसी भी तरह की क्वेरीज तुम्हें कमेंट करना ना भूले। सो गाइज ऐसी ट्रिक्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो बस गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।